भारत और इसराइल के संबंधों की बात करें तो दोनों देश साल 2014 में मोदी सरकार आने के बाद बेहद ज्यादा करीब आ गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों के दौरान भारत इसराइल से बिल्कुल परहेज किया करता था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने वाकई में दोनों देशों को बेहद ज्यादा करीब ला लिया है। रिसेंटली जब इसराइल और फलस्तीन का विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था और इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर कई सारे हमले कर दिए थे, तब भारत ने बाकी देशों की तरह इसराइल को ओपनली सपोर्ट नहीं किया था। जबकि इसराइल को सपोर्ट करने का भारत के पास यह सुनहरा मौका इसलिए भी था क्योंकि फलस्तीनियंस के उन हमलों में एक भारतीय नागरिक सौम्य संतोष की भी जान चली गई थी, जो कि वर्क वीजा पर इसराइल काम करने के लिए गई थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कोई भी मनमुटाव नहीं देखने को मिला। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू आज की डेट में इसराइल के प्रधानमंत्री पद से हट चुके हैं और ये पद संभाल लिया है नफ्ताली बेनेट ने। लेकिन नफ्ताली बेनेट भी भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए इतने बेसब्र हैं कि उनकी लीडरशिप में इसराइल की गवर्नमेंट ने इंडियन एयरफोर्स को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए बुला लिया है, क्योंकि आजकल मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा होती हैं। ऐसे में इसराइल द्वारा भारत को इनवाइट करना ये दर्शाता है कि वो भारत के साथ अपने रिलेशनशिप्स को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और जिस ट्रेनिंग के लिए इसराइल ने भारत को इनवाइट किया है वो कोई आम ट्रेनिंग या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इसराइल के बेहद करीबी देशों की एक्सरसाइज होने वाली है जिनमें इंडियन एयरफोर्स भी शामिल होगी। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसराइल ने साल 2013 में ब्लू फ्लैग नाम की इस एक्सरसाइज की शुरुआत की थी, जिसके तहत वो अपने क्लोज अलाइज देशों की एयरफोर्सेस को अपने यहाँ पर इनवाइट करता है और उनके साथ कई तरह की डॉग फाइट से लेकर दुश्मन देशों की एयर स्पेसेस को इन्वेड करने की प्रैक्टिस के साथ साथ कई अलग अलग ड्रिल्स करता है। इसराइल अपने क्लोज अलाइज देशों के साथ ये एक्सरसाइज 2 सालों में एक बार कंडक्ट करवाता है, यानी ये एक्सरसाइज हर दूसरे साल कंडक्ट होती है। साल 2013 में जब इसराइल ने पहली बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट की थी तब उसने अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और ग्रीस की एयरफोर्स को इनवाइट किया था। भारत की बात करें तो इसराइल ने भारत को पहली बार इस एक्सरसाइज के तीसरे एडिशन में इनवाइट किया गया था, जो कि साल 2017 में हुआ था। भारत ने उस साल इसराइल की ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज के लिए अपना C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा था, जबकि बाकी सभी देशों ने फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भेजे थे। हाल ही में पिछले इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया इसराइल के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर उन्होंने F-15 में भी उड़ान भरी थी। उनकी हिस्टोरिक विजिट के बाद खबर ये निकल कर आ रही है कि इसराइल ने ब्लू फ्लैग 2021 एडिशन के लिए एक बार फिर से भारत को इनविटेशन भेजा है, जो कि अब भारत ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और खबर ये निकल कर आ रही है कि ये ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज इसी महीने के एंड में 10 से 12 दिनों के लिए इसराइल में होने जा रही है। फिलहाल अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि भारत की तरफ से ब्लू फ्लैग 2021 एडिशन में कितने और कौन से फाइटर जेट्स या फिर एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। हालांकि भारतीय सरकार को इस बारे में ज्यादा पता होगा, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय सरकार को साल 2017 की तरह फॉर्मेलिटी के लिए बस इस बार भी एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं भेजना चाहिए, बल्कि कुछ फाइटर जेट्स और पायलट्स को भी भेजना चाहिए, ताकि हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स भी इजरायली एयरफोर्स के साथ डॉग फाइट्स और किसी तीसरे देश की एयर स्पेस इन्वेड करने की प्रैक्टिस कर सकें। वरना साल 2017 की तरह फिर से एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजकर हम इस एक्सरसाइज का ट्रू सेंस में फायदा नहीं उठा पाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये एक्सरसाइज ऐसे मौके पर हो रही है जब भारत और चाइना दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चरम पर है और हाल ही में दोनों देशों ने सीमा पर डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ चाइना और ताइवान का युद्ध भी बिल्कुल एज पर है। खैर, बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि इसराइल ने इंडियन एयरफोर्स को अपने यहाँ होने वाली ब्लू फ्लैग 2021 एडिशन के लिए इनविटेशन भेजा है, जो कि अब भारत ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताएं कि हमें इसराइल में होने वाली इस ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज के लिए कौन सा फाइटर जेट भेजना चाहिए, तेजस, सुखोई, मिग, रफेल या फिर और कोई फाइटर जेट।